दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप अपने डिलीट हुए डेटा को फिर से उसी क्वालिटी में रिकवर कर सकते हो और वो भी बिल्कुल फ्री में। आपका डेटा किसी भी कारण से डिलीट हो गया हो, जैसे मान लो आपकी पेन ड्राइव है, एसडी कार्ड है, उसे आपने गलती से फॉर्मेट कर दिया है, या फिर आपका एसडी कार्ड या आपकी एसएसडी हार्ड ड्राइव या फिर आपकी हार्ड डिस्क किसी कारण से करप्ट हो गई है या फिर आपका पीसी क्रैश हो गया है, तो आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप उस डेटा को बहुत ही आसानी से और बिल्कुल फ्री में आप उसे रिकवर कर सकते हो। आज के वीडियो में आपको एक बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर बताने जा रहा हूँ, उस सॉफ्टवेयर का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस लिंक पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आप tenoshare.com की इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्री डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर 4DDIC विंडोज डेटा रिकवरी फ्री सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर आपका विंडोज 11, विंडोज 10, विंडोज 7 सभी पर काम करता है। तो आपका किसी भी कारण से आपका डेटा डिलीट हो गया, मान लो गलती से आपने अपनी पेन ड्राइव एसडी कार्ड को फॉर्मेट कर दिया है, या फिर गलती से आपकी कोई फाइल डिलीट हो गई है, या फिर आपका पीसी क्रैश हो गया है, या फिर किसी भी वजह से आपकी हार्ड ड्राइव या मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया हो, फाइल करप्ट हो गई हो, तो सारा आप इसमें रिकवर कर सकते हो। रिकवरी के अलावा इस सॉफ्टवेयर से आप डेटा रिकवर तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ आप इसमें अपनी फाइल्स को रिपेयर भी कर सकते हो। इसके अलावा जो डेटा यहाँ पर रिकवर होता है उसकी क्वालिटी भी वैसी ही बरकरार रहती है, क्वालिटी में कोई भी फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, साथ ही साथ जो डेटा रिकवरी है वो भी काफी फास्ट होती है। दोस्तों इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने किसी भी तरह के डेटा को रिकवर कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर सभी तरह के स्टोरेज मीडिया को सपोर्ट करता है, चाहे आपका एसडी कार्ड हो, मेमोरी कार्ड हो, या फिर आपका पीसी हो, लैपटॉप हो, सरफेस सर्वर हो, डिजिटल कैमरा, डैश कैमरा, ड्रोन्स, एचडीडी, एसएसडी, यूएसबी ड्राइव, मॉनिटरिंग इक्विपमेंट हो, या एसडी कार्ड हो, या फिर आपकी सीडी हो, डीवीडी हो, किसी भी तरह का स्टोरेज मीडिया हो, सभी को ये सपोर्ट करता है। साथ ही साथ ये सॉफ्टवेयर 2000 से ज्यादा फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। अब चाहे आपका डॉक्यूमेंट हो, फोटो, वीडियो, ईमेल्स, आर्काइव, ऑडियो, सभी तरह के फाइल फॉर्मेट को आप यहाँ पर रिकवर कर सकते हो। बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है। सबसे अच्छी बात है इस सॉफ्टवेयर को आप फ्री में भी इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिकली इस सॉफ्टवेयर में आपको दो वर्जन देखने को मिलते हैं, एक फ्री वर्जन और दूसरा है इसका पेड वर्जन, प्रो वर्जन, लेकिन हमारा काम फ्री वर्जन से ही चल जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो फ्री डाउनलोड का एक ऑप्शन आ रहा है, फ्री डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप फ्री डाउनलोड पर क्लिक करोगे, अब आप देख रहे हो ऊपर राइट हैंड कॉर्नर में यहां पर एक फाइल डाउनलोड हो चुकी है, तो काफी जल्दी इसकी फाइल डाउनलोड हो जाती है, केवल 2 MB की फाइल यहां पर डाउनलोड होती है। अब यहां पर आप देख रहे हो ओपन का ऑप्शन आ रहा है, ओपन पर क्लिक कर देना है। अब यहां पर ये कुछ परमिशंस मांगेगा, वो आपको अलाउ कर देना है, उसके बाद यहां पर इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये सॉफ्टवेयर हमारे पीसी पर अब इंस्टॉल हो रहा है, बहुत जल्दी ये सॉफ्टवेयर यहां पर इंस्टॉल हो जाता है। ये सॉफ्टवेयर हमारे पीसी पर इंस्टॉल हो चुका है। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद जब हम इसे ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। TenoShare 4DDIC, हार्ड ड्राइव, एसडी कार्ड, वीडियो रिकवरी, क्लाउड ड्राइव, क्रैश्ड पीसी, वीडियो फोटो रिपेयर, टूल बॉक्स, यहाँ पर ये सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पीसी के अंदर जो ड्राइव लगी हुई है, जो हमारी हार्ड डिस्क है, वो सारा स्टोरेज यहाँ पर शो हो रहा है। तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको डेटा रिकवर करना हो, जिस ड्राइव का डेटा रिकवर करना हो, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। मेरे पास एक पेन ड्राइव है, इसके अंदर मैंने कुछ डेटा डाल रखा है, कुछ फोटो है, कुछ वीडियो है, इसके अंदर मैंने सेव कर रखा है। तो इस पेन ड्राइव को मैं अपने यूएसबी पोर्ट पर लगा दे रहा हूँ। तो ये है हमारी यूएसबी पेन ड्राइव, इसकी कैपेसिटी है 7.49 GB। इसे ओपन करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो मेरे कुछ फोटोज यहाँ पर है, एक वीडियो यहाँ पर है और एक PDF फाइल यहाँ पर है। तो आप काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 फाइल्स हमारी इस पेन ड्राइव के अंदर हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ, फॉर्मेट कर दे रहा हूँ, फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पेन ड्राइव को मैं यहाँ से फॉर्मेट कर दूंगा। स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करें, देख सकते हैं फॉर्मेट कम्प्लीट। अब हमारी जो पेन ड्राइव है पूरी तरह से फॉर्मेट हो चुकी है, इसके अंदर अब कोई भी डेटा नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी पेन ड्राइव फॉर्मेट हो चुकी है। अब मान लो इस डेटा को मुझे रिकवर करना है, तो इसके लिए काम में आने वाला है ये कमाल का सॉफ्टवेयर 4DDIC डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर। इसे हमें यहाँ ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप देख रहे हो हमारी पेन ड्राइव यहाँ पर शो हो रही है, तो यहाँ से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर अलग से भी आपको फोल्डर बना हुआ, हार्ड ड्राइव, एसडी कार्ड, वीडियो रिकवरी, क्लाउड ड्राइव। तो एसडी कार्ड पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आपकी पेन ड्राइव दिखाई देने लगेगी। अब अपने डेटा को आपको रिकवर करना है तो सिंपल यहाँ पर स्कैन पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आप किस तरह की फाइल को रिकवर करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैंने फोटो,
वीडियो और डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद सिंपल आपको स्कैन सिलेक्टेड फाइल टाइप पर क्लिक कर दो। अब ये सॉफ्टवेयर अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एडवांस्ड स्कैनिंग यहाँ पर चल रही है, तो पहले ये स्कैन करता है आपके डेटा को, ढूंढ ढूंढ के निकाल रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं अभी केवल 18% काम यहाँ पर कंप्लीट हुआ है और इसने 8 फाइल यहाँ पर निकाल के ढूंढ ली हैं। इसके अंदर आपको काफी फास्ट स्कैनिंग देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर अभी जो स्कैनिंग चल रही थी, स्कैनिंग कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ आप देख रहे हो सॉफ्टवेयर ने 215 फाइल्स यहाँ पर लेके आ गया है, ये सर्च कर ली है, जबकि हमारा जो डेटा था हमारी तो 6-7 फाइल थी। यानी ये सॉफ्टवेयर खोद खोद के हमारे पुराने डेटा को भी यहाँ पर ये लेके आ गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑल फाइल्स 215, जिसमें से फोटो है हमारे 133। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि कौन सी फाइल हमें यहाँ पर रिकवर करनी है। अब जो भी फाइल यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद रिकवर पर क्लिक करोगे आपकी फाइल रिकवर हो जाएंगी। अब यहाँ हमें ऑप्शन मिल जाता है, हम प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि कौन सी वीडियो फोटो हम यहाँ पर रिकवर करना चाहते हैं। कोई भी इमेज का प्रीव्यू आपको देखना है, जैसे ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मेरे फोटो का प्रीव्यू यहाँ पर आना स्टार्ट हो गया। जैसे ये मेरी फोटो आ रही है, मैं यहाँ से प्रीव्यू अपना चेक कर सकता हूँ। अब जो भी फोटो मुझे चाहिए होगी वो मैं उसे रिकवर कर लूंगा। अगर सारी फोटो चाहिए सारी भी रिकवर कर सकता हूँ। तो इनमें से कोई भी फोटो आप सिलेक्ट कर लो। मान लो मैं यहाँ से इन तीनों फोटोज को यहाँ से सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब उसके बाद सिंपल आपको रिकवर पर क्लिक कर देना, ये फाइल आपकी रिकवर हो जाएगी। तो मैं रिकवर पर क्लिक कर देता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि जो रिकवर करी हुई फाइल्स हैं, रिकवर होने के बाद उन फाइल्स को आप कहाँ पर सेव करना चाहते हो। मान लो मैं डेस्कटॉप यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये फाइल हमारी डेस्कटॉप के ऊपर जाके सेव हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ से डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद सिंपल आपको सेव नाउ पर क्लिक कर देना है। तीनों फोटोज हमारी यहाँ पर आ चुकी हैं। मैं यहाँ पर आपको क्लिक करके ओपन करके दिखा देता हूँ, ये फाइल हमारी यहाँ पर आ चुकी है, हमारी फोटो रिकवर हो चुकी है। उसके बाद व्यू रिकवर्ड पर क्लिक करके आप इन फाइल्स को देख सकते हो। दोस्तों जैसे कि आपने देखा बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है और आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आपका कोई भी डेटा डिलीट हो गया उसे आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से बहुत ही आसानी से रिकवर कर सकते हो। अगर आपका 2GB तक का डेटा है तो उसे आप फ्री में रिकवर कर सकते हो। उससे ज्यादा डेटा अगर आपको रिकवर करना है तो आप इसका प्रो वर्जन ले सकते हो। लेकिन मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि पहले आप इसका फ्री वर्जन ट्राई करके देखो और उसके बाद आपको लगता है ये सॉफ्टवेयर आपके लिए यूजफुल होने वाला है तो आप इसका प्रो वर्जन भी ले सकते हो। यहां पर आप देख रहे हो इनके प्रो वर्जन के सारे प्लान्स आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। इनमें से जो प्लान आपको अच्छा लग रहा है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है और बाय नाउ पर क्लिक करके सॉफ्टवेयर के प्रो वर्जन को भी आप बाय कर सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।